विरूपा जी ये कहेंगे दिल्ली की बढ़िया परफॉर्मेंस, क्रूज कंट्रोल में थे, गेम अपने हाथ में था, थोड़ी कम विकेट खो सकते थे, लेकिन शिखर धवन और रहाणे की परफॉर्मेंस ने टीम को जीत के उस पार पहुंचा दिया। बिल्कुल, विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 विकेटों से जीते या 10 विकेटों से जीते वो कोई मैटर नहीं, जीत इंपॉर्टेंट थी आज, क्योंकि जीतेंगे तो ही नंबर 2 पर जाते हैं, जीतने के बाद ही क्वालिफाई करते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है कि दिल्ली जीती है। और खासकर अजिंक्य रहाणे, बड़ा टफ डिसीजन था रिकी पोंटिंग के लिए, क्योंकि ना तो पृथ्वी शाह फॉर्म में थे वो रन बना रहे थे, ना अजिंक्य रहाणे ने अब तक कोई रन बनाए थे, फिर भी उनको खिलाना एक टफ डिसीजन मैं कहूँगा। लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी को इसलिए तो कहते हैं कि एक्सपीरियंस को खिलाते क्यों है, क्योंकि उनके 3-4-5 मैच खराब हो जाएं तो अगली इनिंग में रन बनाते ही हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 50 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 60 रन बनाए 46 गेंदों पे, अपनी जो उनका एवरेज स्ट्राइक रेट है उससे बेहतर बल्लेबाजी की 130 के स्ट्राइक रेट पर। आज चाहिए भी ऐसा ही था, कोई जो सॉलिड खेले, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता था आज, सिर्फ ये था कि अंत तक खेले, 15-16 ओवर तक तो ये मैच खत्म ही हो जाएगा, तो बढ़िया बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे की। बहुत कम रेट करते हैं उन्हें कि वो यार T20 है तो उनकी क्या जरूरत है, वो बड़े छक्के चौके नहीं लगाते, लेकिन जब आपकी टीम में एक सॉलिड खिलाड़ी हो तो दूसरे एंड से आप आक्रामक रूप अपना सकते हैं। जैसे वीरू ने कहा, अजिंक्य रहाणे के लिए मैं बड़ा खुश होता हूँ। देखिए, एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो आप चाहते हैं कि अच्छा करें। और आपने बिल्कुल सही कहा समीर, उनके नाम एक बड़ी शतकीय पारी भी है फॉर राजस्थान रॉयल्स, बड़ा तेज खेले थे। पर जैसे वीरू ने बिल्कुल सही कहा, कुछ प्लेयर्स के साथ टैग लग जाता है कि ये क्या T20 में क्या कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, बहुत अच्छा खेले, इनकी भी जरूरत है। आप देखिए बद्रीनाथ ने क्या काम किया, भूल जाते हैं बद्रीनाथ को, तमिलनाडु के लिए वो ऐसे फ्लोटर थे कि रन विकेट गिर गए तो जल्दी से भेज देते थे, और वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग बैट्समैन टू बॉल टू, कूद के इधर मार दिया उधर मार दिया, बॉलर की जान ले लेते थे। तो ऐसे नहीं है अजिंक्य रहाणे, वो रन और ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, पर एक क्लास प्लेयर, जैसे अनुभव की बात की वीरू ने, क्लास हमेशा आपके लिए काम आएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रन बनाया। होपफुली आपने देखा था अंत में जब रिकी पोंटिंग ने भी उनके साथ जिस हिसाब से बात किया, होपफुली अब उनको खिलाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।